हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पवार स्वीट कोर्स में। तो आज हम देख रहे हैं कावासाकी वर्सेस 650 का सीट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं हम। तो आप देख सकते हो न्यू बाइक है, फुल्ली न्यू बाइक है। तो सर है इंडियन आर्मी में, उन्होंने अपना वीडियो यूट्यूब पे देखा था और उनको आइडिया आई कि कुछ इस टाइप से भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो कावासाकी वर्सेस का एक ही प्रॉब्लम है, फोम बहुत हार्ड है, सीट ब्रॉड है, सब अच्छा है, पर जिसका फोम है बहुत हार्ड है, लॉन्ग राइड के लिए आदमी बैठ ही नहीं सकता ज़्यादा देर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अपना शॉप है पवार सीट कवर्स, जो है मगरपट्टा हड़पसर पुणे महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हो हमने पूरा सीट निकाल दिया है और अभी जो कंपनी चिपका थी ना ये फोम, वो हम चिपका रहे। तो फाइबर एक है, कम्प्लीटली एक है, पर फोम दो बीच में काटा गया है, वो भी मैं दिखा दूँगा। ये आगे का पीस है और एक पीछे का पीस है, दोनों भी कंपनी ने ऐसा ही पीस दिए हैं काटे हुए, बीच में गैप है उनके। तो हम क्या करने वाले हैं, तो इसको बकेट करने वाले हैं और जो ये हार्ड वाला पीस है वो हम काटने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हम काट रहे हैं, क्योंकि इस पे फोम लगा दिया तो हाइट इतनी बढ़ जाएगी कि पैर नीचे नहीं आएंगे, ज़मीन पे नहीं आएंगे, वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है और हार्ड भी ज़्यादा है, तो काटना तो ज़रूरी बनता ही बनता है। ये देखो जितना फाइबर रहेगा उससे 2-3 mm ज़्यादा रखेंगे फोम, क्योंकि वो बेस रहता है उसके नीचे का, तो वो गड्ढे रहते हैं स्क्रू भी के, तो बराबर प्रॉपर उसमें मैच हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरे को लगता है 5-10 mm हमने फोम रखा है, क्योंकि वो डीप में रहता है ज़्यादातर। उसके बाद हमें SD वॉलिंग डी है, SD वॉलिंग हमने प्रॉपर तरीके से चिपका भी ली है और उसको हम जो फिनिशिंग देने वाले हैं, जो अभी हमने पीस काटा उसी हिसाब से वो आ जाएगा। फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम ये सब प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, नहीं तो कुछ भी काम किया और फिनिशिंग नहीं रही, बहुत अच्छा काम किया फिनिशिंग नहीं रही तो अच्छा नहीं लगता वो काम। इसलिए हम ज़्यादातर काम में भी ज़्यादा ध्यान देते और फिनिशिंग में भी हम ज़्यादा ध्यान देते। उसके बाद वो जो साइड का बॉर्डर पीस है वो हम काट रहे हैं, आप देख सकते हो वो भी अच्छी तरीके से हम ये काट रहे हैं। दोनों तरफ से हम काटने के बाद हम पीछे वाला भी पीस लेने वाले हैं, पर पहले वाला हम एकदम प्रॉपर तरीके से परफेक्ट करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो जाएगी, ये सब ध्यान में रखते हुए हम ये कंफर्टेबल का काम लेते हैं। और ये काम करने के लिए कम से कम 3-4 घंटा जाता ही जाता है। तो जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम पहले डिसाइड करके लेते हैं ये कब काम करना है, तो उसी हिसाब से ये टाइम निकाल के कस्टमर आते हैं। जिधर जिधर हमें लग रही है क्यूरी उधर हम फोम लगा रहे हैं। ये देखो आगे के सामने ज़रा थोड़ा सा फोम कम लग रहा था, वो भी लेवल में हमने लिया है। उसके बाद हमने पीछे वाला भी फोम लगा दिया है और ये हम बकेट करने वाले हैं। बकेट कैसा आएगा वो देख रहे हैं, क्योंकि उतनी जगह वेस्ट जा रही थी, जो बीच में गड्ढा दिख रहा है आपको वो जगह, ये देखो पीछे का मैं पीस बोला था कि वो अलग से निकलता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा घिस के लिया हमने और ये बीच का पीस हमें चिपका रहे हैं। के क्यों छपका रहे, अभी हम उसको बकेट करने वाले, वो बैक के लिए सपोर्ट रहेगा, अच्छी तरीके से आ जाएगा वो फिनिशिंग में भी। ये देखो जो गड्ढा है वो हम अभी भर रहे हैं और वो बीच का पीस भी हम लगाने वाले हैं। वो बीच का पीस लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस है वो भी हम ये काट रहे हैं, अभी ये बैक सपोर्ट अच्छी तरीके से देगा। ये देखो हम
एकदम प्रॉपर और बारकाई से ये काम करते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है, ये जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा, जो जो क्यूरी लग रही है वो हम एक्स्ट्रा पीस सब काट रहे हैं धीरे धीरे। ज़्यादातर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते ही रखते हैं, क्योंकि राइड मारने के बाद समझ में आता है कि कम करना है या थोड़ा ज़्यादा करना है। ज़्यादातर हम कम ही करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखते ही है। उसके बाद हमने सीट लगा के देखा और कस्टमर के भी बोला आप चेक करो क्या आपको प्रॉब्लम लग रही है, क्या लग रही है। तो कस्टमर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग दिया तो बैठने के लिए अच्छा रहेगा। ये देखो थोड़ा सा फिनिशिंग देने वाले हम, थोड़ा डीप ज़्यादा किया, आप देख सकते हो। डीप ज़्यादा करने से क्या हो जाएगा, जो लेवल है वो बराबर प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, क्योंकि गाड़ी को सीट लगने के बाद ही समझ में आता है फोम का सिचुएशन कैसा है, ज़्यादा ऊपर है ज़्यादा नीचे है। तो कस्टमर बोले कि थोड़ा सा डीप चाहिए मुझे, तो हमने डीप भी किया है और उसमें वो प्रॉपर तरीके से बैठ भी सकते हैं। और जो फोम काटा है हमने थोड़ा सा आगे की तरफ लगाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक दबाने के बाद आगे स्लिपरी न हो, इसलिए ये हम कर रहे हैं। दोनों तरफ सॉल्यूशन लगाने के बाद हम ये फोम का टुकड़ा बीच में लगा रहे हैं। वीडियो में ही बनाने के लिए इतना घंटा लगता है, तो काम में तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा। ये वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में कम से कम दो दिन या एक दिन पूरा जाता ही है, क्योंकि जो मेरा काम है वो काम से टाइम निकल के ही ये करना पड़ता है। तो आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ये सब आपके लिए दिखाने के लिए मैं करता हूँ। और आपका प्यार तो मिल रहा है हमें, हमारे 20K हो गए हैं। उसके बाद हमने वो 20 का पीस लगाने के बाद फिनिशिंग देने वाले, अभी आप देख सकते हो। ये है फाइल से हम फिनिशिंग कर रहे हैं। जब तक फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती तब तक ये हम फाइलिंग करते हैं। जो हमने दिमाग में एक उसकी लेवल सूची है उसी हिसाब से हम ये घिसते रहते हैं। जिसे कंपनी का फॉर्म आता है उसी हिसाब से ये अभी दिखने लगेगा। उसके बाद हमने फिर से एक बार ये सीट लगा के देखा और सर को हमने बोला कि आप राइड मार के आ जाओ, तो ये सीट लगा रहे। सीट को बैठने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने चाबी ट्राई की, उसकी की लगाने के बाद वो सीट बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसका लॉक प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रहा था। बाद में ये सीट प्रॉपर तरीके से बैठ गया, तो सर को हमने बोला एक राइड मार के आ जाओ, तो आपको कैसा फील हो रहा है, बैक सपोर्ट कैसा मिल रहा है, आपकी बैठने की पोजीशन कैसी है, आप देख सकते हो, दिखा रहे हम एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। सर की हाइट भी बहुत अच्छी है, इसलिए ये गाड़ी उनके लिए बहुत मैच हो रही है। हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग राइड मारो कि आपको कैसा फील होगा वो समझ में आ जाएगा। तो सर ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा दे दो। और तो पहले तो हमने बोला थोड़ा सा राइड तो मार के आ जाओ, तो आगे का देखें क्या। हम गाड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हो धूप में कलर उसके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे मेरी बहुत पुरानी गाड़ी है, न्यू मॉडल है, एक ही महीना हो गया है गाड़ी लेके और सीट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता। और राइड मारने के बाद सर आ गए और बोले कि एकदम कंफर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे,
कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे दिक्कत दे रहे। और सर जयपुर में है अभी, तो जयपुर से इसी गाड़ी पे वो ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसके लिए यू नो सर ने ये सीट बनवा के लिया है। और जिधर दूर जाना हो उसके लिए भी ये ट्रैवलिंग के लिए सीट बना है बकेट के लिए। उसके बाद हमने ये कवर का, आप देख सकते हो कवर का एक डिज़ाइन हमने बनाया है। हमने सर को बोला कि प्लेन रखने से अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन मार लो, डिज़ाइन मारने से बहुत ही अच्छा दिखेगा ये सीट का। और उनकी परमिशन लेने के बाद हमने ये डिज़ाइन मारी है। जिधर आप बैठते हो मतलब आपकी बैठने की पोजीशन है उधर हमने ये सिर्फ डिज़ाइन मारी है। उसके बाद जैसे मार्किंग की है उसी हिसाब से उसकी कटिंग आएगी और उसी हिसाब से उसकी स्टिचिंग भी आएगी। ये देखो कैसे मार्किंग करते हैं हम। स्टिचिंग करने के बाद हम दोनों तरफ से सॉल्यूशन लगा लिया है। सॉल्यूशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि डीप ज़्यादा है, आप देख सकते हो डीप के लिए सॉल्यूशन लगता ही लगता है। उसके बाद एक कवर स्टिचिंग किया हमने और अभी प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं। ये भी स्टेपलर फिटिंग है, निकलने का कोई भी चांस नहीं है। ये देखो दोनों तरफ से हमने ये प्रॉपर शेप में फिटिंग किया है। बारीक बारीक जो क्यूरी रहती है वो हम सामने सामने ही सॉल्व कर देते हैं, इसलिए कस्टमर को हमारा काम बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए ये सब वीडियो, उनके लिए कंफर्टेबल का काम हम करते रहेंगे। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आईडी है हमारी पवार सीट कवर्स, उस पे भी 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर है हमारे। और यूट्यूब पे भी हमारे अभी 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये देखो आप दोनों तरफ से प्रॉपर फिटिंग होने के बाद हमने उसकी फाइनल फिनिशिंग भी दिखाने वाले हैं कैसी हुई है। और ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हमने के सीट मॉडिफाई किए हैं। अभी ये फाइनल फिनिशिंग देखो। और जिसको भी ऐसे सीट के मॉडिफिकेशन करना हो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। अपना शॉप का नाम है पवार सीट कवर, जो है हड़पसर मगरपट्टा पुणे में। अभी ये सीट लगा रहे हम। कावासाकी वर्सेस 650 का ये फाइनल फिनिशिंग। बहुत ही अच्छी गाड़ी है टूरिंग के लिए, वैसे उसकी कीमत भी है। तो इसी हिसाब से हमने ये कावासाकी वर्सेस 650 का सीट मॉडिफिकेशन किया है। तो हमारे सर है, उनको तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और हमारा काम भी। आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे नए नए वीडियो आपको देखने हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।